हेलो गाइस, सो फाइनली प्रोजेक्ट के का ग्लिम्स आ चुका है, जिसके आने से प्रोजेक्ट के को एक नया नाम भी मिल गया है, कल्कि 2898। फिलहाल टीजर देखकर वाह वाली फीलिंग तो नहीं आ रही है और ना ही कुछ इसमें एक्साइटमेंट जैसा दिख रहा है, क्योंकि इस तरीके कंटेंट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं हॉलीवुड में। और खबरें यहाँ भी आ रही हैं कि यह मूवी एक रिमेक मूवी होने वाली है। फिलहाल यहाँ तो सब चलता रहता है। टीजर देखकर यहाँ तो समझ आ गया है कि मूवी की स्टोरी बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाने वाली है। जैसा कि टीजर में साफ दिख रहा है कि हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है, हाहाकार मची हुई है, चीख पुकार मची हुई है। बेचारे मायूस बच्चे जिन्हें पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है, तरस रहे हैं एक बूंद के लिए। और यह सब है एक पूरी शक्ति कारण जो इन पर राज करना चाहती है, इन पर नहीं पूरी दुनिया पर राज करना चाहती है। अब कोई ना कोई तो आएगा बचाने के लिए। बस इसी तरह आते हैं प्रभास, शायद उस बुरी शक्ति का अंत करेंगे और इन सबको बचाएंगे। कुछ ऐसा ही फील करा रही है यह मूवी। वैसे प्रभास का फर्स्ट लुक तो आप पहले देख चुके हैं, जिस पर काफी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन फर्स्ट लुक से जो टीजर लुक है प्रभास का वो काफी बेटर लग रहा है, लेकिन कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं लग रही है इस लुक को देखकर। फिलहाल ओवरऑल ठीक है, बढ़िया है दोस्तों। लेकिन इसके बाद अमिताभ बच्चन भी दिखे हैं इस टीजर में दोस्तों। उनका फेस तो रिवील नहीं किया गया है, लेकिन उनकी आंखों ने बहुत कुछ कह दिया है। टीजर में वो अपना इंप्रेशन छोड़ गए हैं। वहीं दीपिका पादुकोण भी दिखती हैं, जो लगता है अपने मिशन पर है, एकदम साइलेंट है, क्योंकि बाकी लोगों से अलग फील करा रही हैं वो। वैसे इसकी कॉस्ट काफी बड़ी है, जैसे प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी पता नहीं क्यों ली गई हैं, और वहीं कमल हसन। टीजर का बीजीएम काफी जबरदस्त है और इसके VFX पर भी काफी काम दिख रहा है दोस्तों, जो मूवी में देखने को मिलेगा। और वहीं इसके टेक्नोलॉजी पर भी काम किया गया है, जो मूवी में आपको देखने को मिल सकता है। बाकी ओवरऑल टीजर काफी परफेक्ट है, अच्छा है, हॉलीवुड मूवी की याद दिलाता है। वैसे यह मूवी एक साई फाई मूवी है, जो इंडिया की पहली ऐसी मूवी है जिसे अमेरिका के एक सैन डियागो कॉमिक कॉन इवेंट में रिलीज किया गया। क्या मैंने सही बोला दोस्तों? अगर कुछ भी गलत बोला हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। वैसे यह मूवी आपको 12 जनवरी 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। यह एक पैन इंडिया मूवी है, इसलिए यह वर्ल्ड वाइड मूवी रिलीज होगी। और इसके डायरेक्टर हैं नाग अश्विन। काफ़ी उम्मीदें हैं इनसे दोस्तों, और प्रभास से भी। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब बगैर कहे दोस्तों कर दीजिएगा दोस्तों। चलता हूँ दोस्तों, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा दोस्तों। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।